गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, टुडे वी विल डिस्कस अबाउट व्हाट इज कंप्यूटर नेटवर्क, हाउ कैन यू क्रिएट अ कंप्यूटर नेटवर्क एंड द नेटवर्क्स बेनिफिट्स। फर्स्ट वी विल डिस्कस अबाउट व्हाट इज कंप्यूटर नेटवर्क। एज यू ऑल नो बेटा, व्हाट इज कंप्यूटर नेटवर्क? कंप्यूटर नेटवर्क बेसिकली इज अ कलेक्शन ऑफ कंप्यूटर एंड द अदर डिवाइसेस ऑल्सो। कंप्यूटर नेटवर्क क्या होता है, जिसके अंदर हम क्या करते हैं बेटा, मोर देन वन कंप्यूटर, दैट मीन्स एक से ज़्यादा कंप्यूटर्स को हम कनेक्ट करते हैं उस एक किस तरीके से कि वो क्या कर सके, रिसोर्सेज को शेयर कर सके। फॉर एग्जांपल, जैसे कि लैब्स का एग्जांपल मैंने आपको पहले भी दिया था कि हमारी लैब के अंदर एक से ज़्यादा कंप्यूटर्स एक सिंगल सीपीयू से कनेक्टेड होते हैं, ठीक है। तो दैट मीन्स वो सीपीयू क्या करता है बेटा, उनको एक्सेस प्रोवाइड करता है कि वो उसको एक ही सीपीयू क्या करता है, उनको प्रोसेसिंग करता है सब कंप्यूटर्स की, ठीक है। तो दैट मीन्स क्या होता है, कंप्यूटर नेटवर्क के अंदर कलेक्शन होता है जिसके अंदर मोर देन वन कंप्यूटर्स और अदर डिवाइसेस आल्सो आर कनेक्टेड टुगेदर, जिसके अंदर एक से ज़्यादा कंप्यूटर्स और डिवाइसेस कनेक्टेड रहते हैं। अगर आपको कोई भी कंप्यूटर नेटवर्क एस्टेब्लिश करना है तो आपको क्या किस किस चीज़ की रिक्वायरमेंट होती है बेटा, यू नीड एटलीस्ट टू और मोर देन टू कंप्यूटर्स एंड सम अदर डिवाइसेस। आपको दो या दो से ज़्यादा कंप्यूटर्स की ज़रूरत होती है और कुछ अदर डिवाइसेस, जैसे कि आपका सीपीयू है, कीबोर्ड्स है, माउस है, वायर है, मोडेम है, इन सब की रिक्वायरमेंट होती है। दिस डिवाइसेस आर इंटरकनेक्टेड यूजिंग कम्युनिकेशन मीडिया सच एज वायर। ये किसकी हेल्प से कनेक्टेड होते हैं बेटा, ये एक कम्युनिकेशन मीडिया जिससे कि आपका वायर हो गया, केबल्स हो गया, इनके थ्रू कनेक्टेड रहते हैं। यहाँ पे इंटरनेट का एग्जांपल लिया गया है क्योंकि इंटरनेट बहुत अच्छा एग्जांपल है बेटा कंप्यूटर नेटवर्क का, क्योंकि इंटरनेट के ऊपर बेटा हम एक सिंगल कंप्यूटर कनेक्टेड नहीं होता, मिलियंस ऑफ कंप्यूटर्स, मोबाइल फ़ोन्स ले लो आप, लैपटॉप्स ले लो, कनेक्टेड रहते हैं। उस पर हम इंफॉर्मेशन शेयर कर पाते हैं, हम वीडियो शेयर कर पाते हैं, हम म्यूज़िक शेयर कर पाते हैं, ठीक है। द कम्युनिकेशन मीडिया ऑफ लिंक अलो द नेटवर्क कंपोनेंट्स टू वर्क टुगेदर। कम्युनिकेशन मीडिया या फिर लिंक्स क्या करते हैं बेटा, नेटवर्क को एक साथ काम करने में हेल्प करते हैं, एक साथ वर्क करने में हेल्प रहते हैं। जो नेटवर्क के कंपोनेंट्स हैं वो एक दूसरे से दूर भी हो सकते हैं या फिर एक सेम बिल्डिंग में भी प्रेजेंट हो सकता है। लाइक हाउ कैन वी क्रिएट अ कंप्यूटर नेटवर्क, हम किस तरीके से कंप्यूटर नेटवर्क को क्रिएट कर सकते हैं। जो आपका कंप्यूटर नेटवर्क होता है बेटा, उसका कोई फिक्स साइज़ नहीं होता है कि इतने ही साइज़ का होगा, वो लार्ज साइज़ का भी हो सकता है, वो स्मॉल साइज़ भी हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल, स्मॉल नेटवर्क कैन बी क्रिएटेड बाई कनेक्टिंग टू कंप्यूटर्स फॉर शेयरिंग फाइल। अगर आप एक बहुत स्मॉल नेटवर्क क्रिएट कर रहे हो तो आप क्या कर सकते हो, दो कंप्यूटर्स को एक दूसरे से कनेक्ट कर सकते हो। किस तरीके से कि वो क्या करें, इन्फॉर्मेशन जैसे कि फाइल्स वगैरह को शेयर कर पाए। एग्जाम्पल लो, अगर आप ब्लूटूथ का एग्जाम्पल लेते हो तो आपके दो मोबाइल फ़ोन कनेक्टेड रहते हैं बेटा, जिसमें आप क्या कर सकते हो, पिक्चर्स एक्सचेंज कर पाते हो। तो एक किसका एग्जाम्पल है, स्मॉल नेटवर्क का एग्जाम्पल है। बट एट द सेम टाइम अगर आप किसको यूज़ कर रहे हो बेटा, इंटरनेट के ऊपर कोई चीज़ यूज़ कर रहे हो, अगर आप कोई व्हाट्सअप वगैरह यूज़ करते हो तो दैट मीन्स वो क्या हो गया, लार्ज नेटवर्क है, क्योंकि व्हाट्सअप पे हमारे बहुत सारे कॉन्टैक्ट्स होते हैं, हम एक ही टाइम पे उन सब के साथ क्या कर सकते हैं बेटा, फोटोज़ वीडियोज़ शेयर कर पाते हैं। जैसे कि यहाँ पे एक नेटवर्क है आपका, इसके अंदर बेटा ये जो फाइल सर्वर लिया है इसने, फाइल सर्वर इज़ अ कंप्यूटर दैट डिस्ट्रीब्यूट्स और सर्व एप्लीकेशन प्रोग्राम एंड डाटा फाइल्स टू द वर्क स्टेशन। वर्क स्टेशन क्या होते हैं बेटा, जो इंडिविजुअल कंप्यूटर्स हैं उन्हें वर्क स्टेशन बोलते हैं। फाइल सर्वर वो आपका कंप्यूटर पार्ट होता है जो क्या करता है, डिस्ट्रीब्यूट करता है किसको, एप्लीकेशंस को, प्रोग्राम्स को, डाटा फाइल्स को, किससे एक्सेस करता है, किस के साथ डिस्ट्रीब्यूट करता है, किसको सर्व करता है बेटा, हमारे जो वर्क स्टेशन है, हमारे जो कंप्यूटर्स हैं उनको सर्व करता है। ये सब एक दूसरे से किसकी हेल्प से कनेक्टेड रहते हैं बेटा, केबल्स या फिर वायर्स की हेल्प से कनेक्टेड रहते हैं। ए नेटवर्क कैन कनेक्ट मिलियंस ऑफ कंप्यूटर टू एक्सचेंज इन्फॉर्मेशन। एक नेटवर्क के अंदर हम क्या कर सकते हैं बेटा, मिलियंस का मतलब होता है लाखों कंप्यूटर्स को एक साथ कनेक्ट कर सकते हैं फॉर चेंजिंग इन्फॉर्मेशन, इन्फॉर्मेशन को शेयर करने के लिए। इंटरनेट इसका बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। When you connect your computer to a network using a cable or other communication media, you become a network user. जब भी आप अपने कंप्यूटर को किसी भी नेटवर्क से कनेक्ट कर पाते हो तो आप क्या बन जाते हो बेटा, नेटवर्क यूज़र बन जाते हो, और आपका कंप्यूटर क्या बनता है, वर्क स्टेशन बनता है उस नेटवर्क के ऊपर। ओके, योर वर्क स्टेशन हैज़ ऑल द यूजुअल रिसोर्सेज कॉल्ड द लोकल रिसोर्सेज। आपके वर्क स्टेशन के जितने भी रिसोर्सेज हैं, चाहे वो कीबोर्ड है, चाहे वो माउस है, जो हार्ड डिस्क है, लोकल प्रिंटर है, वो सारे क्या बनते हैं उसके बेटा, लोकल रिसोर्सेज बनते हैं। योर वर्क स्टेशन आर ऑल्सो एक्सेस फाइल्स स्टोर्ड इन द फाइल सर्वर एंड मेक यूज़ ऑफ द नेटवर्क रिसोर्सेज। आपका वर्क स्टेशन क्या कर पाता है बेटा, जो फाइल्स, जो आपका फाइल सर्वर है उसकी के अंदर जितनी भी फाइल्स स्टोर्ड होती हैं उनको एक्सेस कर पाता है, उनको यूज़ कर पाता है, और जो उस नेटवर्क के अंदर जितने भी रिसोर्सेज हैं उनका भी वो क्या कर सकता है, यूज़ कर सकता है। ओके, उसके बाद आते हैं आपके नेटवर्क बेनिफिट्स। नेटवर्क बेनिफिट्स का मतलब क्या होता है बेटा, नेटवर्क के क्या क्या लाभ होते हैं।
नेटवर्क मैं आपको एक बार छोटा सा ब्रीफ देती हूँ, कल हम इसको अच्छे से डिस्कस करेंगे इस टॉपिक को। नेटवर्क बेनिफिट्स का मतलब क्या है बेटा? नेटवर्क अगर आप क्रिएट करते हो तो उससे आपको क्या क्या बेनिफिट्स मिलते हैं, क्या क्या फ़ायदे हैं। सबसे पहला तो बेटा शेयरिंग इन्फॉर्मेशन ही हो जाता है कि आप क्या कर सकते हो, इन्फॉर्मेशन शेयर कर पाते हो, फाइल वीडियोज़ आप बहुत अच्छे से शेयर कर पाते हो। आप वर्क फ्रॉम होम कर सकते हो, जैसे कि अभी आप घर बैठे हुए पढ़ रहे हो तो इट्स ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ नेटवर्क, ये नेटवर्क की हेल्प से पॉसिबल है। ईज़ ऑफ एक्सेस, दैट मीन्स ये आपको एक्सेस प्रोवाइड करता है, आपके फाइल सर्वर के अंदर से कोई भी फाइल एक्सेस कर पाओ, आप कोई भी डाटा जो स्टोर्ड है एक जगह पे आप उसको वर्ल्ड में बैठे कहीं पे भी यूज़ कर पाओ। ठीक है, तो बहुत सारे यूजेस हैं, इन्हें हम बहुत अच्छे से कल डिस्कस करेंगे। ओके, अगर आपको इससे रिलेटेड कोई भी डाउट है तो आप मुझसे पूछ सकते हो। ओके, थैंक यू।